अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फरीज। आज का ब्लॉग शुरू करेंगे मदरसे से। आज पूरे बच्चे मदरसे चले गए हमारे, घर पे एक ही बच्चा है, बाकी के सब चले गए। अभी 10 बजे से सबको पिकअप करना है। अभी शुरुआत हो गई भाई, सुबह के 7 बजे से शुरू। अभी जाके 10 बजे आना है। फिर अभी नाश्ता करना है। ऐसे छोड़ के ऐसे आ गए हम, फिर वापस जा रहा हूँ। अभी सुबह के बज रहे 7:30, टेम्परेचर है 11। टेम्परेचर भी बताना पड़ता है, इतनी ठंडी है। मैं आज सुबह नमाज में उठा नहीं, तो इसीलिए देर को के ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो लेट्स गो, शुरू आज की जर्नी। केरला होटल जाएंगे, नाश्ता ले लेंगे। दरवाजे में रुका के आया हूँ, गाड़ी ये लोग जल्दी देते नहीं पराठा। अभी पराठा लेके जा रहा हूँ केरला होटल से, लेकिन पराठे बहुत छोटे कर रहे हैं आजकल सारे। अभी इनकी भी कस्टमर, इनका भी अभी ज्यादा आने लगा ना, इनको भी अभी पैसा ज्यादा आने लगा ना, इसीलिए अभी इनकी मस्ती बढ़ रही है। अरे इतने छोटे छोटे पराठे बना रहे। आज मेरे बाजू वाले 9-9, 10-10 बजे उठते थे सुबह। अभी मदरसे चालू हो गए, 6 बजे उठ रहे अभी सब। अभी देखो नाश्ते के लिए फोन करके बोले कि नाश्ता ले गया। मैं बोला था उनको, फोन किया था तो फोन नहीं उठाए, तो दोबारा करे। अच्छा होटल में था मैं, तो अभी उनके लिए भी पराठा लेके जा रहा हूँ। अभी देखो 10 बजे एक लेक लेना है, 11 बजे एक लेना है, 12 बजे दो जने को लेना है। आज 2-1 बजे तक मेरी फड़ जाएगी आज। चलो घर चलेंगे, घर चल के नाश्ता वाश्ता करके चाय बना लेंगे पी के। तो मैं जा रहा हूँ छोटे लड़के को लाने के लिए, 10 बजने वाले मदरसे तलक जाओ तो 10 बज जाता है। तो मैं, वो अकेला रहता है अभी गाड़ी में, लेकिन मैं उसका वीडियो बना सकता हूँ। पता नहीं यूट्यूब में डाल दूं तो फिर मेरा ब्लॉग वो लोग भी देखते हैं घर पे, डाल दूं तो फिर दिक्कत हो। किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को बुरा लगता है, तो इसीलिए भाई क्यों रिस्क लेना है। देखेंगे बाद में, सोचेंगे डालने के बारे में। वीडियो तो बनाऊंगा, लेकिन यूट्यूब में डालने के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो, क्योंकि वो भी देख रहे हैं ना मेरा ब्लॉग, पता नहीं क्या समझ में आ रहा उनको। चलो जो भी है देखेंगे, जाएंगे लेके आएंगे उसको। 10 बजने वाला है, 9:50 हुआ है, जाओ तो 10 बज जाता है। मदरसे को आ गया हूँ और 3 मिनट बाकी है मदरसा छूटना भी। बच्चे खेल रहे हैं, इसमें है एक छोटा बच्चा, लेकिन कौन बोल के बताऊंगा नहीं मैं। ये है मदरसा अंदर का, इसी में बड़ा लड़का है, इसका बड़ा भाई, वो 12 बजे छोड़ता है मदरसा। ये बच्चों का है, इसी में है, ऊपर होगा शायद। कॉल हुआ है, लड़के को लेके आया हूँ। आते ही बराबर देखो 1500 रियाल, इंडिया के 30,000 रुपए मेरे से खर्च लिया है ये। पता है अगला महीना चाहिए मेरे को। ये देखो ये जा रहे, दोनों जा रहे अभी मेरे से खर्च लेके डालने के लिए जा रहे है। अगला महीना पक्का मेरे को चाहिए। इन लड़के को ला के छोड़ दिया, तुरंत ड्यूटी लग गई। 10:30 बजे, 11 बजने वाले है, इधर आया हूँ 5 रियाल मॉल को। सुबह सुबह ड्यूटी। अभी एक बवाल हुआ है 5 नंबर मॉल के सामने, गाड़ियां फंस गई हैं। पता नहीं कौन सी गाड़ी किधर निकलना है, इसको भी निकलना है, इसको भी निकलना है। वहां पे कंफ्यूज था कौन निकलना बोल के, खुद मैं ही निकल गया वहां से। फिर अभी राउंड मार के जाके पार्क लगाना है मेरे को। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह ड्यूटी लग गई, ऐसा लग रहा रात में ड्यूटी नहीं लगती मेरी। ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये रोड का नाम है अनस बिन मलिक तरीका, अनस है ये रोड का नाम है अनस। अभी यहाँ पे देखो 5 रियाल का मॉल है, यहाँ पे 5 रियाल में सब कुछ मिलता है, तो यहीं पे आया हूँ मैं। ये वाला दिख रहा है 5 रियाल, लेकिन 5 रियाल नहीं होता है, 6 रियाल होता है टैक्स वैक्स मिला के, 75 हलाला।
हमें 300 पीस का एक, लेकिन इतने चॉकलेट है भाई साहब, 5 रियाल का एक एक चॉकलेट है, पूरे चॉकलेट है ये देखो, ये सब 5 रियाल है, सब 5 रियाल प्लेट्स हैं, ये सब 5 रियाल का एक एक है, सब 5 रियाल। उस मॉल से आ गया मैं, अभी जा रहा हूँ बड़े लड़के को लाने के लिए, अभी बड़े लड़के को ले जाना है, 12 बजे छुटता है उसका स्कूल, तो अभी अभी 6 मिनट है 12 को, वही स्कूल जाना है जहाँ से छोटे लड़के को उठाया हूँ, बड़े लड़के के लेके फिर लड़कियों को लेने जाना है, तो चलेंगे मस्जिद। अभी अजान होती है, ये है बड़े लड़के का मदरसा, ये है उनका गार्डन खेलने का, बहुत दिनों बाद में आया हूँ गार्डन में यहाँ पे बैठ के मीटिंग करा कर दिए थे पूरे यूपी के पूरे इनकी मीटिंग है, बहुत जोर होती है इधर। तो भैया फाइनली फ्री हो गया मैं, दोपहर के बज रहे 1:15, सबको छोड़ दिया एक 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 करके, और मैं लाया हूँ रोटी, खाना खा लेना है मेरे को, अभी खाना वाना खा के देखेंगे ड्यूटी कब लगती है पता नहीं, जब भी लगेगी फिर हाजिर होंगे, अभी तो रेस्ट करेंगे थोड़ा खाना वाना खा के। तो मेरी ड्यूटी लग गई है, दोपहर के बज रहे तो ड्यूटी जा रहा हूँ, 4 बज रहा है, तो शाम के दोपहर के पता नहीं, दोपहर बोलते शाम बोलते, 4 बज रहा है टाइम, शाम के 4 बज रहा है, असर की नमाज हो गई, अभी ड्यूटी लग गई, जा रहा हूँ ड्यूटी, पता नहीं किधर जा रही है। चलो आया हूँ दोबारा से फिर तुर्की रोड में, जोहरा मॉल को, जोहरा मॉल आया हूँ फिर से तुर्की रोड में, मुझे पार्किंग दो, मुझे पार्किंग दो। तो ना ये जो लाइन दिख रही है येल्लो सी, येल्लो उसके इधर अंदर हम पार्किंग लगा के रुक सकते हैं, लेकिन वो येल्लो के उधर नहीं रुक सकते, अगर उधर येल्लो के उस साइड में लगे, लकीर के उस साइड गए तो पुलिस तुरंत आएगा मार देगा मुखालफा, फाइन। देखो अभी यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे सिग्नल है, मैं अभी पार्किंग लाइट लगा के रुकाया हूँ क्योंकि ताकि यहाँ से कोई गाड़ी निकले तो तुरंत लगा दूंगा मैं। वहाँ पे एक बाइक वाला गया इतना जोर साउंड करके, टाइमिंग 5:30 हो रहा है, लकड़ी पकड़ के ठहल रहा हूँ मैं अभी पार्किंग के नीचे, अभी पता नहीं अभी कब निकलती है, लेकिन मज़ा आ रहा है टहलने में। पार्किंग वहाँ पे देखो गाड़ियाँ सिग्नल में कैसे रुकी हुई है, पीछे दिख रहा है ममला का बादल में, और पूरे VIP गाड़ियाँ रुकी हुई है इधर। गाइस आ गया मैं ड्यूटी से, अच्छा खासा वॉकिंग कर रहा था, वॉचमैन बन गया वहाँ पे लकड़ी लेके, ये देखो मेरा दोस्त क्या कर रहा है, ये पता है क्या कर रहा है, वो धुआं मारने वाली मशीन है, अभी ये रेडी कर रहा है मेरे को। अभी लोकेशन आया है 24 किलोमीटर दूर उसके दोस्त के घर जाने का कपिल के, तो जा रहा हूँ लोकेशन चला रहा हूँ, लेकिन मोबाइल नहीं चला पाता तो इसीलिए चलेंगे देखेंगे कहाँ का लोकेशन है, चल के वहाँ पे मिलेंगे। मक्का जाने की रोड है, इतना जाम लगा हुआ है, मैं जा रहा हूँ 25 नंबर, बहुत जाम लगा हुआ है भाई। कपिल के दोस्त के घर को, वो भी नमाज़ पढ़ाते हैं उनके दोस्त मुतवा है, लेकिन ये यहाँ पे मक्का रोड में, मक्का रोड में आया हूँ मैं, जहाँ पे दिखाया तुमको बोर्ड पे लिखा हुआ था, वहीं से राइट लेके फिर लेफ्ट लेके फिर राइट लेके फिर लेफ्ट लिया, तो पास में ही है, अभी पता नहीं क्या लेके जाना है इधर से। हो गया भाई, कुछ पेपर्स लेना था ले लिया, अभी जा रहा हूँ वापस घर, हो गया काम इधर का। अभी वो रोड ना इतना जाम लगा हुआ है, क्या बताऊँ, अभी बहुत जाम लगा हुआ रोड। मलिक खालिद में यहाँ कुछ चल रहा है भाई फंक्शन, टीवी स्क्रीन बहुत बड़े बड़े लगाए इधर, कुछ चल रहा है द्रैया में, हमें तो मौका नहीं मिलेगा जाने का। आ गया मैं ईशा के टाइम के अंदर, अभी अजान हो रही है ईशा के, फिर ईशा के बाद पता नहीं किधर जाना पड़ेगा भाई। रात के बज रहे 8:30, मैं ना खाना बना रहा था चिकन, फोन आया कि सहेली के घर जाके सामान लेके आना है, पता नहीं
नहीं क्या सामान है, जा रहा हूँ सलमान रोड में, यहाँ पे एयरपोर्ट जाने का रोड है सलमान रोड, किंग सलमान। 100 की है, 100 की स्पीड की है ये, तुर्की की रोड है, इसका नाम है तुर्की, ये रोड का नाम है तुर्की। यहाँ से 5-6 किलोमीटर तक एंड है ये, उसके आगे बाद में रोड सलमान आता है, किंग सलमान, किंग सलमान वो 120 का रोड है, किंगम ये किंग सलमान रोड है। सीधा गए तो इंडिया जाते, इंडिया मतलब एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ से 30-40 किलोमीटर बाद एयरपोर्ट है। अभी मैं खिदमे में हूँ, खिदमा यानी साइड रोड में हूँ, अभी जा रहा हूँ 120 की रोड में अंदर। अभी यहाँ से कनेक्ट हो गया मैं सलमान रोड में, साइड रोड को अरबी में खिदमा बोलते हैं। अभी 120 का रोड है ये, हो गया काम, कुछ पार्सल आया था, पार्सल लेके जा रहा हूँ अभी। ये तरीक सलमान है, मैं खिदमे में हूँ, साइड में हूँ। अभी उधर आगे जाके एक सिग्नल आता है, सिग्नल से यू टर्न मार के फिर वापस जाना है मेरे को सलमान रोड पे। है ब्रिज, ब्रिज के ऊपर उधर सिग्नल है सीधा जाने का, लेफ्ट जाने का, यू टर्न मारने का। यू टर्न मारने में सिग्नल नहीं लगता है, ये मैंने यू टर्न मार दिया, अब जा रहा हूँ घर के तरफ, एकदम घर पे चल के मिलते हैं अभी। गाइस आज की ड्यूटी इतनी थी, ख़त्म हो गई, क्योंकि रात के बज रहे 11, तो सामान भी लेके आया, उसका दे दिया, सब होगा, सालन खाना वाना बना लिया, तो अभी मैं भी सोने जा रहा हूँ। ओके भाई, गुड नाइट, कल मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।